जो डाकूबाजी में स्कूली छात्र घायल हुआ था उसकी तबियत बेहद खराब हो गई है। अचानक से जो बिल्कुल लो होने की जानकारी सूत्रों के हवाले से इस समय मिल रही है, और जैसे ही ब्लड प्रेशर लो हुआ है समय जो पुलिस के आला अधिकारी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। बड़ा जाप्ता पुलिस का जो है वो हॉस्पिटल में डिप्लॉय कर दिया है ताकि ये जब जानकारी बाहर निकले कि बच्चे की तबीयत खराब हुई है तो किसी तरह से माहौल फिर से खराब ना हो। उदयपुर बड़ी मुश्किल से दो दिन बाद में शांति की राह पर लौट रहा था, और इसी बीच आप देखिए कि फिर से जो सूचना निकल कर बाहर आई है वो काफी चिंताजनक है। घायल जो छात्र था देवराज, उसकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। स्थिति जो ब्लड प्रेशर था वो बिल्कुल लो चला गया, और इसी के चलते इसकी सूचना मेडिकल टीम द्वारा जिला प्रशासन को दी गई, और जिला प्रशासन के जो सभी आला अधिकारी थे मौके पर पहुंच गए, हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में किसी तरह से स्थिति कपिल, क्या कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया अस्पताल की तरफ से, कोई आधिकारिक वक्तव्य मीडिया में जारी किया गया है? देखिए, हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा अभी मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हमारे सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एक बार तबियत अचानक से काफी बिगड़ी है। ब्लड प्रेशर जो था वो बिल्कुल लो चला गया था, उसके चलते एक बार सभी के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई, जो ब्लड प्रेशर है वो काफी लो हो गया, और स्थिति जो है वो मेडिकल टीम जो है उसके कंट्रोल से बाहर जाती हुई हो गई थी। तो इसकी सूचना तुरंत चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा जिला प्रशासन को दी गई, और फिलहाल टीम लगी हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार टीम कोशिश कर रही है कि लिटिगेशन जो मुश्किलें सामने आ रही है उससे निपटना कितना संभव है उसको लेकर। जी कपिल, अभी कोई अपडेट निकल कर क्या आ रही है कि क्या अब स्टेबल है तबीयत, कोई पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई है? कपिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बताइए क्या जी? आप सवाल बिल्कुल कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी क्या कोई अपडेट वापस से निकल कर के सामने आ रही है, या पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए, हमने बात हमारे जो प्रोफेशनल सोर्स है उनसे हमने जानकारी जुटाई है, उनका कहना है कि स्थिति एकदम से खराब हुई थी, इसी वजह से जो जाप्ता है वो गया था हॉस्पिटल में, बड़ी तादाद में पुलिस डिप्लॉय की गई थी। और फिलहाल भले ही कहा जा रहा हो कि जो हमें जो शांति, लेकिन अब जब तबीयत खराब होने की बात फिर से सामने आई है तो जो प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हैं उनके चेहरे पर फिर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि दो दिन तक स्थिति काफी बिकट रही थी। फिलहाल जो सुरक्षित जानकारी हमें मिली है, बेहद नाजुक स्थिति में जो घायल स्कूली छात्र था वो पहुंच गया था अभी कुछ समय पहले, और जो ब्लड प्रेशर था जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो चला गया था, और यही वजह थी कि एक बार सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। लेकिन कपिल, क्या घायल छात्र के परिजन वहां पर मौजूद हैं, और अगर अस्पताल की हम बात करें तो वहां पर कौन कौन मौजूद हैं प्रशासनिक अधिकारियों में? देखिए, घायल छात्र के परिवार के लोग मौजूद हैं, अभी से कुछ देर पहले ही करीबन दो घंटे पहले ही घायल छात्र की जो बहन है उसने आईसीयू में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया था, और अपनी चचेरी बहनें, कुल पांच बहनों ने घायल छात्र के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर ये कामना की भगवान से कि वो दीर्घायु हो। और जी जी बिल्कुल, और इसी बीच उदयपुर से सबसे बड़ी खबर है, चाकूबाजी में घायल छात्र की तबीयत अचानक से बिगड़ने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि प्रशासन की तरफ से या मेडिकल प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, कोई मेडिकल बुलेटिन अभी तक सामने नहीं आया है, डॉक्टर्स लगातार जो है वो इलाज में जुटे हुए हैं। बहरहाल, जो सोर्सेज के हवाले से, सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो ये कि कुछ देर पहले जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक से लो हो गया था घायल छात्र का, और इसके चलते चिंताजनक स्थिति जरूर बताई गई थी, और इसी के चलते प्रशासन के अधिकारियों को सूचित किया गया था। जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि एमबी अस्पताल पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया हुआ है, और
ज्यादा जानकारी का इंतजार है कि आखिरकार क्या प्रोग्रेस होती है घायल छात्र के स्वास्थ्य में सुधार को लेकर के। सबको इंतजार है, चारों तरफ से यही प्रार्थनाएं हैं कि ये छात्र जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर आए, सकुशल अपने घर पर लौटें। और इसी को लेकर के आज बहनों ने राखी भी बांधी अपने भाई की कलाई पर और उसकी लंबी उम्र की कामना भी की। लेकिन चिंताजनक बात यह कि सूत्रों के हवाले से जो कुछ देर पहले खबर आई उसमें यह बताया गया कि अचानक से बीपी लो हो गया है और ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन जाने से चिंताजनक स्थिति। लेकिन डॉक्टर्स लगातार डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। एसपी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर के, वो हम आपको सुनवाते हैं। उनका त्यौहार बाजार में सब जगह सर्वोपरि सामान्य स्थिति है। अतिरिक्त चहल पहले तो यहाँ रही, सभी जगह बाजार